Press the bell icon for all the updates. हमारे साथ अब स्टेज पर है रोमांस के बादशाह और एक्शन के डॉन तो ये बहुत ही अनोखा जो मिलाप हुआ है वो कैसे हुआ <laughs> ये um, पहले थैंक यू वेरी मच Uh, हमें ये खिताब देने के लिए uh, और सबको मैं स्वागत करना चाहूँगा नए साल की शुभकामनाएं आप सबको थैंक यू कि आपने वक्त निकाला हमारे शो uh, की प्रेजेंटेशन का हिस्सा बने आप सो थैंक यू वेरी मच टू मेंबर्स ऑफ द मीडिया फॉर बीइंग हियर And I wish you and Rohit and I wish you happy new year to you and your families. Uh, आपने पूछा कि ये मिलन या मिश्रण ये कैसे yes. हुआ I think ये star plus की मिली भगत थी कि हमें एक एक मंच पे एक साथ ले आएं और बनता भी था क्योंकि शो का जो कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा था to find new talent and I think uh, निर्देशक का काम यही रहता है uh, कि टैलेंट को परखना जांचना और फिर पेश करना इसीलिए उन्होंने हमें चुना और हम तह दिल से इनको शुक्रिया करते हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं एक एक एस, एक फ्रेंडशिप है एक बॉन्ड है और अब एक प्रोफेशनल कनेक्शन भी है आ, तो उसे आगे बढ़ाते हुए हम इस मंच पे आ चुके हैं इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार और यही कोशिश रहेगी कि वाकई हम इंडस्ट्री को हम ऑडियंसिस को नए सुपरस्टार्स दे सकें मेरा अगला क्वेश्चन है आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनाया और आपने दिलवाले बनाया तो इस शो में स्पेसिफिकली कौन ज्यादा दिलवाला होने वाला है Who's going to be very to the दोनों किस्म के मैं हूँ और ये जिगर वाले तो आई <laughs> थिंक हमारा कॉम्बिनेशन कमाल का रहेगा कोई दिल ले आएगा तो कोई जिगर आई थिंक और दिल और जिगर का जब एक ही बात होती है लेकिन अलग टर्मिनोलॉजी तो बेसिकली hmm. हम दोनों पैशन ले आ रहे हैंटेंट और लास्ट क्वेश्चन आप इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार से क्या उम्मीदें रखते हैं व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंडिया नेक्स्ट सुपर स्टार मैं अकेला नहीं हूं इस मंच पे। आप प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिए क्या उम्मीद रखते हैं आप इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार से क्या उम्मीद रखते हैं हम लोग वेल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंडिया इज नैक् सुपर स्टार्ज ये शो जो मैंने और करण ने हमने हाँ कहा उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक जो फॉर्मेट है कि बीस जो बच्चे पूरे हिंदुस्तान से सेलेक्ट करके हम लाए हैं और उसके बाद एक पूरा प्रोसेस है इट्स नॉट जस्ट के सैटरडे संडे हम आएंगे उनके एक्ट्स देखेंगे हम जज करेंगे बट उसके अलावा भी मंडे टू फ्राइडे उनकी ग्रूमिंग कैसे हो रही है ये भी हम ऑडियंस को दिखाएँगे एंड वो हर ट्रेनिंग से गुजरेंगे चाहे वो एक्शन हो चाहे वो डांस हो एक्टिंग हो और एक्टिंग में भी हर रस हो चाहे वो इमोशन हो कॉमेडी हो या ड्रामा हो हर चीज में और अंत में जैसे आपका सवाल था कि ये सारी चीजों का पैकेज ही होगा क्योंकि एक जिम्मेदारी है हम पे भी कि हम जब इंडिया को अगला सुपरस्टार या अगला एक्टर देंगे उसमें वो सारी खूबियां हो क्योंकि घर बैठा कोई भी एक एक्टर या एक लड़की या लड़का ये ना सोचे हम इनसे बेहतर भे, हो सकते हैं हमारी कोशिश ये रहेगी कि uh, जो हम ये शो के जरिए दिखाना चाहेंगे उससे वो भी सीखें थैंक यू सो मच एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द मीडिया क्वेश्चन ओके सो पहला मीडिया क्वेश्चन ये है एंड ये सारे क्वेश्चन इनसे ही आए हैं हाउ डू यू डिफाइन इंडिया नेक्स्ट सुपर स्टार एंड वट आर द क्वालिटीज दैट यूर लुकिंग एट एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम सना इंडियन एक्सप्रेस so i think qualities you've already uh, you've answered but how do you define india's next superstars there she's standing there. hi sana uh, it's very difficult to really define superstardom because like, like we've said constantly Rohit and i have just finished a round of media interactions where we spoke about how do you define a superstar? I mean, if all of us knew the definition of a superstar, we'd have millions of them because there isn't a definition, it's a feeling. It's a feeling that an actor, an artist has with an audience, something that is organic. And there's you don't know why you love Shah Rukh Khan or why you loved Mr. Rajesh Khanna or why you have deep respect and admiration for Mr. Bachchan. It's something the X factor that they bring to celluloid that just makes you feel like they're a part of your life. Why do you love Sri Devi? Why do you love Madhuri Dixit? Why have you loved Deepika Padukone? Why do you love Alia Bhatt? You love them because they connect with you on a level that you can't express. You can't explain. But I feel the biggest connect of a superstar is that.

दे आर द बिगेस्ट ऑडियंस इज द बिगेस्ट सुपर स्टार उनके बिना हम अध कर नहीं सकते सुपर स्टार यू यू आर नॉट वर्किंग सो रॉ टैलेंट को ढूंढने के लिए क्या क्या मेहनत किया गया है ढूंढने के लिए क्या मेहनत किया गया है रोहित What is this word? Raw talent को ढूंढने के लिए क्या-क्या मेहनत की गई? <laughs> क्या-क्या मेहनत की गई है? क्या-क्या मेहनत? बताइए बहुत you सारे। देखिए अकेड <laughs> बड़ी बैड हैंड राइट देखिए हैं हमारा हमारे इंडिया नेक्स्ट इंडिया इंडिया नेक्स्ट <laughs> सुपरस्टार्स <laughs> की एकेडमी है वहाँ बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है जैसे कि आपने ऑडियो विजुअल में देख लिया है मुकेश छाबरा एक्टिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं फिर दीपक जो बहुत माहिर कोरियोग्राफर है मेरे साथ भी काम कर चुके हैं वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर डांसिंग की ट्रेन हो रही है वॉइस कोचिंग हो रही है मॉड्यूलेशन हो रही है एक साथ वो रहते हैं मंडे टू फ्राइडे आप रोज़ रियलिटी शो साढ़े बजे देखेंगे

ये किसके लिए सवाल था हमने दोनों न्यू कमर्स के साथ अच्छा आप मैंने नहीं किया। आपने मैंने नहीं किया तो ये पहला है जैसे मैंने कहा कि ये फॉर्मेट ही बिल्कुल अलग है और ये एक पूरी ग्रूमिंग का होता ये है कि यूजुअली मैंने आज तक किया नहीं किसी न्यू कमर के साथ काम लेकिन होता ये होगा कि आपने ऑडिशन देखा आपने सेलेक्ट किया और फिर आपने उनके साथ फिल्म बनाई या आपको लगा कि हाँ इस लड़के में या लड़की में टैलेंट है ये शो का प्रोसेस ही ऐसा है कि ये हमारे सामने बनेंगे जो इनकी पूरी ट्रेनिंग होगी वो हमारे सामने होगी एंड uh, फिर उस वक्त ये भी होगा कि मेरे लिए वो नए नहीं, नहीं रहेंगे बिकॉज आई लाइक ऑलमोस्ट थ्री मंथ्स विद तीन महीने uh, उनके साथ गुजारने के बाद फिर उनकी फिल्म शुरू होगी तो uh, कहीं ना कहीं नए होके भी वो नए नहीं, नहीं होंगे मेरे लिए okay. अच्छा आदत नहीं है ना ऐसा ऐसा आने का आदत ना ओके एंड शेटी शेटी कनेक्शन ओके 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 सो एस मेंटोर्स क्या हम आपको एस फ्रेंड्स देखेंगे एनकरेजिंग द कंटेस्टेंट्स और वील सी यू एस टास्क मास्टर्स एंड ये क्वेश्चन आ रहा है सना से इंडियन एक्सप्रेस सना देखिए जब आप एक परिवार का हिस्सा होते हैं ना तो दो किस्म की रिस्पांसिबिलिटीज एज अ पेरेंट आपको एक दूसरे जैसे आई मेरे तो दो बहुत बहुत यंग बच्चे हैं लेकिन रोहित इज़ अ फादर एंड आई नो कि जब आप पेरेंट होते हैं एक किस्म के पेरेंट्स ही हैं हम इन बच्चों के जो कंटेस्ट कर रहे हैं जो कम्पीट कर रहे हैं तो कभी आपको दोस्त बनना पड़ता है तो कभी यू हैव टू बी अ हार्ड टास्क मास्टर बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप किस किस्म का किस किस्म की का बैलेंस मेंटेन करना चाहेंगे तो हम दोस्त भी होंगे उनके हंसी मजाक भी होगा बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी करेंगे उनके साथ लेकिन देबुल कम अ पॉइंट कि थोड़ा हार्श भी होना पड़ता है थोड़ा हम

सेम <laughs> और क्या और क्या अलग करेंगे इससे ज्यादा और क्या करेंगे ओके okay, so दे सर हमने इसीलिए हमारे चैनल का नाम है स्टार प्लस हर चीज प्लस है हमारे यहाँ रिश्ते टेलीविजन कंटेंट और मेहनत प्लस आ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने सुना है कि विरुष्का आपके शो पे आने वाले हैं क्या ये सच है अब देखिए मैं जो शो का जो लाइनअप है जो लोग आ रहे हैं वो उनका जिक्र आप शायद सिर्फ एक्चुअली हाँ, ऐसा होता नहीं है आ, कि हमारे पास को सुबह पता चलता है कि आज गेस्ट कौन है आई थिंक अगर विराट और अनुष्का आना चाहें तो हम बहुत खुश होंगे अगर वो आए लेकिन मुझे लगता है कि उनके उनके शेड्यूल में बहुत सारा कुछ ऑलरेडी हो रहा है सो so, शायद हम ओ, शायद हम उनकी प्रायोरिटी प्रायोरिटी लिस्ट में इमिजिएटली ना हो

लास्ट बार क्या था ल... जो आपने पहली बार किया कहां पे किया रिसेंटली आपने लास्ट टाइम जो मैंने लास्ट टाइम वो क्या था जब मैंने कोई चीज को पहली बार किया यस कब किया कहां किया, किया, कहां किया। वेरी गुड तो, है लिपिका जी ये तो भाई आ, रोहित मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिरी बार आपने कब पहली बार कुछ किया नहीं बट हम दोनों से जानना चाहते हैं ना मैं तो बहुत कुछ कभी कभी करते रहता हूँ क्या मतलब है इसका <laughs> जिसको जो समझना है ले अच्छा क्या किया पहली बार क्या है, क्या लास्ट टाइम वेन यू डू द फॉर फर्स्ट टाइम पिछली बार लास्ट टाइम आपने कभी कुछ जो पहली, पहली बार जिंदगी एकदम फैमिली आंसर दे हाँ। फर्स्ट टाइम मेरे बेटे को लेके फरारी वर्ल्ड गया जो मैंने पहली बार किया अभी थर्टी फर्स्ट पे आई हाँ। थिंक so, वो एकदम फैमिली आंसर देना पड़ेगा मैं बिल्कुल मैं भी वही दूंगा अभी आप भी बाप बन चुके हैं तो आप भी एकदम तो मैं बीस साल में पहली बार मैं मुंबई में था क्योंकि मेरे बच्चे वहां थे तो वो लास्ट oh. टाइम मैंने पहली बार कुछ किया वो ये था कि मैंने नया साल अपने बच्चों के साथ मनाया आप दोनों डिफरेंट जॉनर्स को बिलोंग करते हैं तो आप लोग दोनों साथ में इस शो को कैसे जज करेंगे विल बी बी एक्सपेक्टिंग सम धमाका फ्रॉम द शो देखिए अभी आप मैरिट के बाहर ये होटल में बाहर जाएंगे ना तो लंबा सा बूफे लगता है वहाँ तो बहुत सारे आपको डिशेस मिल जाते हैं तो यहाँ वही होगा वो एक्शन okay. लाएंगे मैं इमोशन ले आऊँगा वो मार धाड़ ले आएंगे मैं रोमांस ले आऊँगा तो हम बूफे हैं ओके okay. सो सॉरी oh वो बार में ऐसा सॉन्ग का वो आता है ना <laughs> वैसा वैसा फीलिंग आने लगा है सडनली गानों की रिक्वेस्ट आती है ना वैसा हो रहा है और मैं सॉरी सॉरी बट वो एकदम सुनने वाले हैं सना फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस ओके सो क्या हम आपके किस को शो पर देखने वाले हैं क्या आपके बच्चों को स्टेज पर देख, शो पर देखने वाले हैं क्या हम क्या आपके बच्चों को शो पर आते हुए देखेंगे

उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री इतनी कमाल की है कि हमारे लिए जगह ही नहीं है मुझे लग रहा है कि आप दोनों को देखो को लगे क्या उनकी भरपूर केमिस्ट्री है क्यों रोहित बिल्कुल बिल्कुल और हम चाहते थे कि ऋत्विक और करण वाई हो शो में क्योंकि जैसे आपने कहा या जिसने भी सवाल पूछा कि करण के साथ और ऋत्विक के साथ करण ने भी काम किया है मैंने भी काम किया है और एक बहुत ही जैसे हमने पहला एपिसोड भी शूट किया तो एक अलग केमिस्ट्री थी हम चारों के बीच बहुत ही एंटरटेनिंग था बहुत ही ज्यादा मतलब कॉमेडी थी और एक बहुत ही एक अच्छा माहौल था एंड सो uh, so, और उनकी भी केमिस्ट्री आई थिंक दे आर द बेस्ट होस्ट वी हैव एंड उनकी खुद की भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी दोनों दोस्त हैं सो इट वाज फन या ओके अब एक आखिरी रिक्वेस्ट आने वाली है तैयार हो जाओ ओह व्हाट इज दिस ये मुझे भी नहीं पता था करण वाही और ऋत्विक के बीच में किसिंग सीन हुआ था आपको इस बारे में क्या कहना है देखिए हम चाहते हैं कि आप ये जो ये जो बहुत बड़ा मोमेंट है हिंदुस्तान टेलीविजन पे जो हुआ है वो आप खुद एक्सपीरियंस करें हम आपके सरप्राइज एलिमेंट को छीनना नहीं चाहते आप जरूर देखिएगा ये अद्भुत और यूनिक विजुअल बिटवीन करण वाही एंड ऋतिक और बिल्कुल मत कही कि आप लोग उसका डेमो दिखा सकते हैं नहीं जरा झलक दिखा दी नहीं नहीं सॉरी सॉरी अभी आखिरी वाला है ओके विल यू फुलफिल प्रॉमिस क्या आप डेफिनेटली विनर्स को अपने फिल्म में लेने वाले हैं <laughs> अरे हमने कह दिया है तो कह दिया ना बस कह दिया तो तो बस एक बात हो जाएगा कर दी, हाँ कर दी। तो हमने कह दिया कि प्रोमनेंट रोल में चाहे वो रोहित शेट्टी की फिल्म हो या धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म हो या फिर एक कोलैबोरेशन हो बिटवीन रोहित शेट्टी धर्मा एंड फॉक स्टार हम जरूर ये कमिटमेंट ऑनर करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि हमने ये इंसेंटिव दिया है और उस मैदान पर खड़े उतरना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जरूर करेंगे हम तीनों ही सुपरस्टार हैं हमारे लिए तो चाहे वो रणवीर हो रणवीर हो या वरुण हो और वरुण के साथ मैंने काम किया है करण आपने तो तीनों के साथ काम किया नहीं वरुण और रणवीर रन, रन, के साथ किया है रणवीर के साथ हम दोनों पहली बार एक फिल्म करने जा रहे हैं सो so, तीनों ही अपनी अपनी जगह पर स्टार्स हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और तो, एक्टर्स हैं। इस में बहुत सिद्धार्थ मल्होत्रा you know, है आयुष्मान राजकुमार राजकुमार ने इतना अच्छा काम किया सुशांत सिंह राजपूत आई थिंक इतने सारे टैलेंट बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं उनको आई थिंक इस सवाल का जवाब हम कैटेगराइज नहीं कर सकते सिर्फ तीन है या दो है या चार है बहुत सारे

जो टैग लाइन है वो कोई हमारे तरफ से कोई जवाब था या मेरी तरफ से कोई आंसर था ये बहुत सही है कि कभी कभी इट इज़ ट्रू कि बहुत सारे जो लोग हैं देश भर में वो चाहते हैं कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बने और मुश्किल हो जाता है टू गेट इन टच

Sorry? Uh, I think I think the concept of the show has been conceptualized by Endemol, and I think the credit of this concept goes to the team of Endemol. Thank you so much, everyone, and thank you, gentlemen, thank you, for joining you. us. Can we have a huge round of applause for them, please? Thank you.